हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस वक्त बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल कि पावर और पेंशन का मुद्दा यहाँ पर अखिलेश यादव ने उठाया है और वोटों में तब्दील करने की कोशिश में जुट गए। किसका मुद्दा उठाया है? पावर और पेंशन, बिजली। उठाया भी किसने? जो खुद भी गुल रहे, 5 साल दिखे नहीं, उनकी सरकार के समय बत्ती गुल रहती थी, बिजली की तारें कपड़े सुखाने के काम आती थी और अखिलेश जी पूरे महीने में 300 घंटे बिजली भी उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं दे पाते थे। मैं यही कहूँगा, जो 300 घंटे बिजली नहीं दे पाता, 300 यूनिट मुफ्त में कहाँ से देगा? और दूसरा, इनकी लिस्ट उम्मीदवारों की नहीं आ पा रही है क्योंकि उम्मीदों पर वार करने वाले हैं ये लोग। इनके थानों थानों में नाम लिखे हुए आपराधिक मुकदमों में, तो इनसे जनता क्या उम्मीद करती है? सर, पावर और पेंशन का मुद्दा तो ठीक है, लेकिन महिला सुरक्षा को भी लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। और अब देखिए, कांग्रेस की पोस्टर गर्ल बीजेपी में, अपर्णा यादव मुलायम परिवार की बहू बीजेपी में, तो बेटियां और बहुएं सुरक्षित है बीजेपी में? बहू और बेटियां भाजपा में सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप उत्तर प्रदेश में जाइए, आज बहने क्यों सड़कों पर खड़ी थी, क्यों प्रचार कर रही थी? इसलिए प्रचार कर रही थी कि उनको पिछले 5 सालों में सुरक्षा सम्मान अधिकार मिला है, इसीलिए वो फिर भाजपा सरकार चाहती है। सर, एक आखिरी सवाल, क्या अपर्णा यादव चुनावी मैदान में होंगी, टिकट मिलेगा? ये सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। वो पार्टी में बिना किसी मांग के आई है, महिलाओं के सुरक्षा सम्मान अधिकार के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आई है और एक पार्टी में बढ़ चढ़ के काम करेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को, जिन्होंने देखिए बताया कि अखिलेश यादव जो बिजली की बात करते हैं, जबकि जब उनके जमाने में, जब उनकी सरकार हुआ करती थी, तो बिजली के तारों में सिर्फ और सिर्फ कपड़े सूखते थे और 10 मार्च को अखिलेश यादव की पराजय होनी तय है।